जी, पहले बचपन में मुझे याद है जब हम घर वालों के साथ मसूरी आया करते थे, तो हमारे नाना या फिर मम्मी या पापा हमें दिखाते थे दूर से कि अंदाज़ा लगा कि ये हमारा घर है, और वो शायद वो मोहल्ला है, वो है वो पानी की टंकी बड़ी, और उसके बगल में हम वहाँ रहते हैं। पर आज मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। इतना कंक्रीट और इतने घर बन चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोगों पे बहुत पैसा आ चुका है। और आप ये मत सोचिए कि शहर छोटा है तो यहाँ पैसा नहीं है, बहुत पैसा लोगों के पास है। ये देखो, ऐसी खूबसूरत जगह पे लोग अय्याशी करने के लिए ये दारू भी पीने आते हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना पैसा लोगों के पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है दबा के। और देखिए धीरे धीरे, मुझे लगता है पहाड़ जितने भी ग्रीन ग्रीन पहाड़ हैं, यहाँ सब में घर बन जाएंगे, और ये भी वेगस जो है जल्दी कहलाएगा उत्तराखंड का। ये रहा हमारा मसूरी, जहाँ हम उस दिन पिछली बार गए थे, और आज हम मसूरी तो वैसे ये भी कहलाता है, पर इससे पहले ही एक झड़ी पानी को रास्ता कटेगा जहाँ हम आज मुड़ जाएंगे। अब देखिए, भोले बाबा को लोग अपने ही नज़रों से देखते हैं और उनका दृश्य अपने हिसाब से बना लेते हैं जैसे उन्हें अच्छा लगता है वैसे वो अपने भगवान की पूजा करना पसंद करते हैं। ये वेट कर रहा है हमारा, क्या बात है, अरे क्या बात है बेटा, उधर ओए आ गए हम ट्रैक पे। डिस्को डांसर टीनी नीनी बेटा, आज बिस्कुट नहीं लाए थे मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए। हम ऊपर चलो, ऊपर खिलाएंगे जहाँ दुकान बंद खुली रहेगी। चलो बेटा, तू व्लॉग में आ रहा है, चलो बेटा आप व्लॉग में आ रहे हो, ये यूट्यूब का शहंशाह वायरल कर देने वाली वीडियो चलो बेटा, चिया बाय गुड बाय। हाँ टॉयलेट कर ले तू, भूलियो मत रास्ता। नहीं नहीं हमारा नहीं है, ये जनता का है ये भाई साहब सज के बैठे, और हमेशा की तरह जेपी 3 किलोमीटर बारलोगंज में हम आ चुके हैं। ये रहा हमारा दोस्त, मैं अभी ऐसे मास्क पहन के और ट्राइपॉड और कैमरा लेके जब मैं उसके पास जा रहा था पूरा वो डिफेंसिव मोड में आ गया था, और बेचारा घबरा गया होगा, उसे क्या पता कि बीमारी ऐसी चल रही है, क्या करे, पहनना पड़ता है अब जी यहाँ से ये मेन रोड शुरू हो जाती है, नीचे से जिनको गाड़ी से आना है वो गाड़ी से आ सकते हैं, हम लोग ट्रैक करते करते आ जाते हैं। और यहाँ से बस अब कुछ ही देर में हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा झड़ी पानी के लिए, और ओकग्रोव स्कूल हमारे पीछे लगभग सेम रास्ता है जो हम मसूरी जाते हैं, पर बीच बीच में छोटे छोटे जो हैं डाइवर्जन्स हैं जहाँ से हमें मुड़ना पड़ता है। ये पब्लिक टॉयलेट किसी को आना हो तो,
यहाँ हाथ धोने के लिए, ये पहले जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसी बाइक से ऊपर आते थे और पैसे उस टाइम बहुत कम रहते थे तो पेट्रोल भी सिर्फ चढ़ने चढ़ने का डलाते थे बाइक पे, 50 रुपये का, 60 रुपये का, और आते वक्त तो ढलान पड़ती थी तो घर पे ऐसे ही पहुंच जाते थे बंद गाड़ी में। और आज भी देखो सारे लोग जो है, अच्छी बात है, पेट्रोल बचा रहे हैं और जब वो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से अपनी बाइक को तो कर रहे हैं, पर कार में ऐसा संभव नहीं है। कार में आप कभी भी कोशिश ना करें कि ढलान पे है तो गाड़ी का इंजन इग्निशन ऑफ कर दिया, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे हर साल। वो ये है बात है कि मीडिया में इतने नहीं आ पाते और किसी के पास शायद टाइम ही नहीं है ये एक्सीडेंट्स दिखाने का, और नीचे प्लेन्स में लोगों को वार्न करने का कि आपको चलाना किस तरीके से चाहिए पहाड़ों पे। हम जी ये अपना राइट साइड में जो रास्ता जाता है झड़ी पानी को, ये झड़ी पानी फॉल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, देख सकते हैं 2 किलोमीटर रहता है यहाँ से। सुबह सुबह खाना बन रहा है, मजदूरों का स्मेल याद आ रही है, भूख स्मेल की वजह से भूख लगाई हमें। ये पॉली हाउस बड़े महंगे और बड़े खूबसूरत बनते हैं। एक महीने पहले खाया बाघ? अच्छा, तो अखबार में तो आई नहीं? नहीं, जंगल में चरने जाते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं ना, बस। अच्छा, वाले ने देखा कि एक बार आवाज दिया तो हाँ। ओहो, तो अभी 2-4 दिन में तो नहीं दिखाना बाघ? अभी तो नहीं, अभी तो घूमने जाते हैं। कितने दिन हुए? 1 महीना हो गया, अभी तो घूमने जाते हैं लोग। अच्छा ना, हाँ उधर से भी आते हैं गांव वाले, हाँ पीछे के गांव से नीचे ना, हाँ उधर से इधर आते हैं। अचानक हो जाते हैं, रात को ही होता है, सुबह सुबह आता है ऐसे, रात को दिन में जंगल में चढ़ने जाते हैं अंदर। अच्छा अच्छा, अब इधर तो रोड में कब चलते हैं ना आदमी, हाँ उधर से आते होंगे फिर भी। हाँ मतलब दो गाय आपकी खाली? हाँ, बताओ यार, भाग एक ही है, 2-3 है? आप देखो ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। हाँ एक आधा होगा, वो छोटे भी बड़ा नहीं है। हाँ अच्छा, छोटा है, अचानक की बात है ना। हाँ ये तो है, चलो भाई खतरे की घंटी में जा रहे हैं हम। खतरे की घंटी ठीक है यार, यहाँ पे मतलब लोग जो है आगाह कर देते हैं, वार्न कर देते हैं, बता देते हैं कि थोड़ा सा संभाल के जाना। मैं तो बिल्कुल एक बार टकराया हूँ यार, एक बार ऐसे ही मैं जा रहा था घर और बाघ जो है बिल्कुल बगल के पहाड़ पे मेरे था और मैं उसको देख के बिल्कुल स्ट्रेट रुक गया, बिल्कुल भयंकर फ्रीज हो गया और भयंकर हवा मेरी टाइट हो गई और वो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो अपना चलता गया, उसने रोड क्रॉस करी, पहाड़ पे ऊपर चढ़ गया। बाघ मिल जाए वैसे तो फ़ायदा हमारा ही है, ट्रेंडिंग हो जाएगी ना वीडियो भाग कहेगा भयंकर क्या कर रहे हैं, मैं लोगों को खाने आता हूँ ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे कि भाई साहब शॉट चाहिए एक अच्छा सा, एक कैमरा टांगों के नीचे से निकाल दो, एक ऊपर से, एक मुंह फाड़ते हुए एक बार दांत दिखा दो। हमारे पास ये ब्लैक सा कैमरा है तो लंबा सा, उसे लगेगा कि ये बंदूक का गोला है। डंडा तो नहीं लगेगा, जैसे उसे लंगूर को लग रहा था पीछे डंडा मारने आ रहे, वो दांत दिखा रहा था। मैं
अब ऐसे में कोई छुपा हुआ पता ना चले। मकड़ी का जाला पता नहीं कितना दिख रहा है। मकड़ी ने यहाँ पे बना रखा है, इसका मतलब अभी तक हम पहले आदमी हैं यहाँ क्रॉस करने वाले। नीचे से चलते हैं। रविया मत जाओ। क्या हुआ? ताजी हवाएं हमें बता रही हैं।